आपको पहले से पावर यहाँ से आपको ऑन कर लेना डिस्प्ले, इसका एस की ये आपकी सेट वैल्यू है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें डबल डोर है आपका, आपका 2 इंची करीब का डोर है और सामने कलर की डोर है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट देख सकते हो। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें एक बार 5 रैक आप डाल सकते हो। सर्कुलेटिंग फैन लगा हुआ 304 स्टेनलेस स्टील है ये पूरी, और पॉली कार्बन डोर है हाई ग्रेड का, ये आपका जल्दी से येलो नहीं पड़ता और टाइट लॉक फंक्शन है। इसमें आपको टेम्परेचर कैसे सेट करना है, सबसे पहले आपको सेट बटन दबाना है, उसके बाद आप जो भी टेम्परेचर को सेट करना है, जैसे आपको 35 सेट करना है तो डाउन करके एरो के बटन से आगे जाके आप 35 सेट कर दिया है और सेट बटन दबा के आपका टेम्परेचर सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको साइड में कुछ सर्कुलेशन के लिए होल दिए हैं, ये ओपन कर लेने हैं दोनों साइड में है। और ये आपका इंडस्ट्री, ये बैक्टेरियोलॉजिकल इंडस्ट्री यूज़ के लिए है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री हो, काफ़ी हैवी पीस है इंडस्ट्रीज़ में, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में और आपका इंस्टीट्यूट्स में और पैथोलॉजी की लैब, जो अच्छी लैब्स हैं उसके लिए यूज़ के लिए हैवी पीस है ये काफ़ी। और आप इसमें आपको जब टेम्परेचर बढ़ाना है तो ऐसे ही आपको टेम्परेचर पर सेट बटन दबाना है, उसी तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो। और इसमें एक फीचर है, आप इसको आप में कोई प्रोग्रामिंग में कोई इशू हो जाए तो ऑटो प्रोग्रामिंग करवानी है, तो आप टेम्परेचर अप डाउन जहाँ जा रहा है तो आप में ये शिफ्ट का बटन 3 सेकंड तक प्रेस करोगे तो इसको ऑटो ट्यूनिंग को यस कर दोगे तो ये 1 घंटे मशीन ऑटोमेटिक चलेगी, तो ये अपने आप प्रोग्रामिंग ले लेंगे। प्रोग्रामिंग में ध्यान ये रखना है, प्रोग्रामिंग में ये ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग आपको तब ऑन करनी है जब आपका रूम टेम्परेचर हो, आपकी पीवी वैल्यू रूम टेम्परेचर हो, जैसे 18 है तो 18 होना चाहिए रूम टेम्परेचर, तब इसकी पीवी वैल्यू को ऑन करना है, ठीक है। ये ऑटो ट्यूनिंग 1 घंटे तक मशीन को बंद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली 1 घंटे तक अपने आप ऑटो ट्यूनिंग हो जाएगा, उसके बाद मशीन आपकी प्रोग्रामिंग ले लेगी, आपका टेम्परेचर जो रखा हुआ इक्वल चलेगा। थैंक यू।